गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुखिया कमलनाथ इंदौर में ही रहेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली हैं। इंदौर के कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि 25 तारीख की शाम को सीएम इंदौर में रहेंगे। इस दौरान लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत इंदौर का एक नवाचार का प्रोजेक्ट है, उसका शुभारंभ होगा, जिसमें 5 सेवाओं की होम डिलीवरी आवेदकों को की जाएगी। वहीं कलेक्टर ने कहा कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के आयोजन के लिए भी प्रशासन ने तैयारियां कर रखी है। जिलाधीश के मुताबिक नेहरू स्टेडियम में होने वाले आयोजन में सरकार की उपलब्धियां 12 प्रमुख थीम के माध्यम से बताई जाएगी। 25 की शाम को जब मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, तो लोक सेवा गारंटी एक्ट अंतर्गत जो होम डिलीवरी सर्विसेज है, जो इंदौर का एक नवाचार का प्रोजेक्ट है, इसमें 5 सेवाओं की होम डिलीवरी हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं। अब आवेदक को हमारे ऑफिसेस आने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑनलाइन पोर्टल में अपना अप्लाई कर सकते हैं और कूरियर के माध्यम से उनके घर के द्वार पे जो डिलीवरी है, जो सर्विस है, उसकी डिलीवरी हो जाएगी। 26 तारीख का जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा हम लोगों ने तय कर ली है। जो सांस्कृतिक आयोजन है और जो सरकार की पिछले एक साल की जो उपलब्धि रही है, उसकी प्रमुख हमने 12 थीम चिन्हित किए हैं। उसके आधार पे ही जो झांकियां तैयार हो रही हैं, उसी के आधार पे हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कॉपरेटिव सेक्टर में जो गृह निर्माण समितियों में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, उससे जो पीड़ित लोग हैं, प्रथम चरण में करीबन 7-8 सोसाइटीज के जो लोग हैं, उनके जो प्लॉट धारक है, उसको कब्जे दिलाने का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। वो याचिका जो तकनीक ग्राउंड पर खारिज की गई है, अब उसमें एक परिवाद दायर करने का ऑप्शन दिया गया है, तो उस पर भी हम लोग तकनीक रूप से विचार करके उसमें आगे के उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।